प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ड्रेसिंग ऑफ अ बर्थडे कैप? मैच द कैप विद द करेक्ट शेप वी विल गेट ऑन ड्रेसिंग इट। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या, किसकी पिक्चर है ये? बर्थडे कैप, जो आप जन्मदिन पर पहनते हैं ना, तो हमें बताना है कि ये इसकी अगर हम ड्रेसिंग करेंगे तो उसकी शेप कौन सी होगी। शेप देखो यहाँ पे तीन शेप्स हैं और आपको पता है कि इन शेप्स का नाम क्या है। हमने पहली कक्षा में शेप्स के नाम याद किए थे। तो सबसे पहली शेप कौन सी है? सर्कल, फिर स्क्वायर और थर्ड इज ट्रायंगल। तो आपको सही शेप किसे मैच करना है, ठीक है ना। जैसे कि बर्थडे कैप की अगर हम ड्रेसिंग करेंगे तो उसकी शेप कैसी आएगी? ट्रायंगल जैसी। तो मैंने ऐसे बिंदु 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 लगाकर मिलान कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग, कलेक्ट सम 10 ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू लाइक कॉइन, इरेजर, बॉल, शार्पनर, बॉटल कैप एक्सेट्रा। क्वेश्चन पहले की तरह ही, पहले के क्वेश्चन की तरह हम ये सब चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और अब हम ऐसा स्लैंटिंग सरफेस बनाएंगे बुक से, जैसे हम खेलते भी हैं ना। तो अब हमें ऊपर की तरफ रखेंगे, कोई ये सारी इकट्ठी की हुई चीज़ में से कोई सी भी एक चीज़ हमें ऊपर की तरफ रखेंगे और उसको देखेंगे कि वह लुढ़कती है या सरकती है, ठीक है ना। वो स्लाइड करते हुए जाएगी या रोल करते हुए जाएगी। और नीचे ये देखो टेबल बनाई है हमने, तो हमें एक एक नाम लिखने हैं सभी वस्तुओं के, सभी चीज़ों के, जो भी चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं। और हमें यह लिखना है दूसरे वाले कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में, कि वह रोल करेगी या स्लाइड करेगी। स्लाइड मतलब सरकेगी और रोल मतलब लुढ़केगी, ऐसे लुढ़कती हुई जाएगी या स्लाइड करती हुई जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ है बॉल। बॉल कैसे जाएगी? रोल करती हुई जाएगी। शार्पनर स्लाइड करेगी, ठीक है ना, सरकेगी। कॉइन, कॉइन को हम रोल करेंगे, कॉइन को हम इस तरीके से ही प्लेस करेंगे जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। फिर इरेजर, इरेजर क्या करेगा? स्लाइड करेगा। बुक रखेंगे अगर तो वो भी स्लाइड करेगी। बॉटल कैप रोल करेगी अगर हम उसको इस तरीके से रखेंगे तो, ठीक है ना, नहीं तो वो भी स्लाइड करेगी। अब पेंसिल, पेंसिल को हमने किसी भी तरीके से रखें वो रोल करेगी, ठीक है ना। स्केल वो स्लाइड करेगा। बैंगल वो रोल करेगी। ग्लू स्टिक रोल करेगी। चॉक रोल करेगा। डस्टर स्लाइड करेगी। आप अपने आसपास के सामान को भी देखिए, ये करके देखना है आपको, ठीक है ना। आसपास के कुछ सामान इकट्ठे कीजिए और उनको देखिए कि वह रोल करते हैं या स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, टेक ऑल द ऑब्जेक्ट्स यू हैव यूज्ड इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए थे, जो चीज़ें इकट्ठी करी थी, अब हमें क्या करना है, उनको एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है। नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट्स ऑन वन अनदर। और हमें ये देखना है कि क्या आप एक के ऊपर एक सभी ऑब्जेक्ट्स को रख पाते हो कि नहीं। तो आंसर जो है नो, पहले हम लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन क्या था, वर यू एबल टू प्लेस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन ईच अदर। क्या आप एक के ऊपर एक सभी ऑब्जेक्ट्स को रख पाते हो? तो आंसर है नो। तो हम पहले आंसर लिखेंगे नो, द आंसर इज नो। और फिर हमें लिखना है कि विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू प्लेस ऑन वन अनदर, राइट देयर नेम्स हियर। अब हमें यह उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो जिसमें हमें डिफ़िकल्टी हुई कि वह एक के ऊपर एक नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। वो दो चीज़ें होंगी, ऐसे नहीं कि हमें सबके नाम लिखने हैं। हम बॉल के ऊपर स्केल नहीं रख पा रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पर। चौक के ऊपर बॉल नहीं रख पा रहे हैं, लिखा हमने। पेन के ऊपर बॉल नहीं रख पा रहे हैं, लिखा हमने। वो प्लेस नहीं हो रहा है, वो एकदम से गिर रही है, ठीक है, वो टिकेगा नहीं। बॉल के ऊपर अगर हम पेन रख रहे हैं तो वो टिकेगा नहीं, बॉल ऐसे रोल हो जाएगा तो टिकेगा नहीं। बाकी की क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, व्हाई सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अदर। कि क्यों हम डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ नहीं रख पा रहे, उसका रीज़न क्या है कि हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ नहीं रख पा रहे और हम टावर नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे, उसका हमें रीज़न क्या करना है। हमने या तो अपनी फैमिली से पूछेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं बता रही हूँ आपको क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ देयर राउंड सरफेस।
उनकी जो सतह है वो कैसी है, गोल है, इस वजह से नहीं रख पाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं छोटी होती हैं और कुछ होती हैं बड़ी। अब हम छोटी चीज़ों के ऊपर बड़ी चीज़ें नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। स्मॉल साइज़ की वजह से हम उसके ऊपर चीज़ें नहीं रख सकते, बिकॉज ऑफ देयर वेट। अब क्या होता है कि हल्की चीज़ को अगर हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखेंगे तो वो नहीं उसका वज़न उठा पाएगा और वो गिर जाएगी। तो हम वेट की वजह से भी एक के ऊपर एक सामान नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गई है वर्कशीट ख़त्म। अब इसे क्या करेंगे हम, वर्कशीट जब ख़त्म हो गई, अब हमने सब रिवाइज़ कर लिया, तो हम इसको स्कूल में अपनी मैडम को जमा करा देंगे और दूसरी वर्कशीट में काम करेंगे, ठीक है ना। चलो बाय।